अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग एक बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। अस्सलामुअलैकुम कह रहे हैं सभी लसन सबको। अस्सलामुअलैकुम बोले सभी लसन। आज कहाँ जाने की तैयारी है? आज हम जा रहे हैं बहावलपुर। बैठी हुई है ये हमारे साथ नहीं जा रही क्योंकि ये रात ही आई है लाहौर से और अब हमारे साथ नहीं जा रही। मिस यू बहना। जा रहे हैं जी बहावलपुर जू। ये बहावलपुर जू रोड। अब पहुंचने वाले हैं कैदी आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। हम जी जा रहे हैं जी बहावलपुर जू। ये बहावलपुर जू रोड। अब पहुंचने वाले हैं कैदी आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। हमें एनिमल ने अपना वेलकम किया और रश देखे जी यहाँ पे ट्रिक्स आए हुए। अंदर अंदर बहुत कॉटन कैंडी होगी। और यहाँ पे काफी सारी चीजों वाले खड़े हुए हैं। अभी आगे तबीयत खराब है सभी बाजी और रश देखे आप। ये सब लोग जा रहे हैं लाला जी गए हुए वहाँ पे टिकट लेने के लिए। मैं आपको रश दिखाती हूँ। दस साल से ऊपर वाले तीन साल से ऊपर वाले टिकट है। मेरे भी तो मुझे दे दो। है एक मुझे अपनी दो अपनी दो। मैं जाने नहीं देंगे फिर मुझे दो। अम्मा बुआ को नहीं मिली। क्या है चेरी
वहाँ झूले पे चलेंगे। अभी यहाँ पे गंदा पानी है। आज भी चिड़ियाघर में काफ़ी कुछ वैसा ही है, स्मेल ही बदबूदार। कसमें मोर को देख के इतना ज़्यादा मज़ा आया, और उसके साथ ही नेक्स्ट पिंजरे में ये एक अल्लाह ताला की और कुदरत, इतना खूबसूरत परिंदा था। मुझे इसका नाम तो नहीं पता और ना ही मैं वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले पाई हूँ जहाँ इसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। उसके बाद हम गए तो आगे ये देखे कि ये क्रोकोडाइल बात कर रहे थे, और ये मलाइका मेरे पास भागते हुए आई है डर के, वो क्रोकोडाइल से अच्छा खासा डर गई थी। और रश भी बहुत था, इतना ज़्यादा रश था कि बच्चों का पता नहीं चल रहा था, और हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये देखिए जी, और ये झूले चल रहे हैं, और यहाँ पे हम लेके गए बच्चों को और उनको खिलाया झूले, और इसके बाद वो भाग के एक और झूले के पास गए। इनके बच्चों को भी समझ नहीं हो रहे थे, वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और इसके बाद ये देखिए सारे बच्चे डंपलिंग पे हैं, और ये दुआ फातिमा रो रही है क्योंकि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरी छोटी सी बेबी। फिर आखिर मैंने उसको वहाँ से उठा लिया ताकि उस और आगे मेरा सबसे फेवरेट जगह आई, और बहुत ही प्यारे से प्यारे प्यारे खूबसूरत से हरन, और ये इस वक्त खाना खा रहे थे और ऐसे उछल कूद कर रहे थे। कसम में इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आया ना कि मैं आपको बता नहीं। अब हम जा रहे हैं शेर को देखने के लिए। इधर मलाइका दुआ, मैं आपको शेर दिखाने चलूँ। चलो जगह पर सबसे ज़्यादा रश है जंगल का बादशाह देखने के लिए लोगों का। टीवी थी, आराम से सुकून कर रही थी। और उसके बाद ये देखिए, ये है जनाब हमारा बब्बर शेर, और इसकी दहशत पूरे जू पे थी। और जो भी लोग आ रहे थे ना दूर दूर से, हालांकि तस्वीरें खिंचवा रहे थे लेकिन डर भी रहे थे। और इसके दांत देखे कितने खून को, लेकिन जनाब टाइगर मौजूद नहीं थे, सिर्फ खाली जगह है उनकी। तो ये देखिए मेरे पीछे, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। तो चलते अब दूसरे बच्चे कहते स्लाइड के झूले खाने और बंदर को देखने, तो अब हम उस तरफ जा रहे कपड़ा बेचारा कोमल स्मेल है सारी। चलो सारे बच्चे खैर यहाँ पे चल सीधा करो ऐसे, बस तू आ जा। तकरीबन 600 से 800 तक परिंदे पाए जाते हैं। खैर थोड़ा घूमने के बाद शुतर मुर्ग देखने को मिला, जो काफी बड़ा परिंदा है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसके बाद मैं जंगल के बादशाह के पास चला गया, जो नजर आया, जो मुझे कह रहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी हर वीडियो भी देखता हूँ और आपका वो मासा है। एक मिनट, और यहाँ पे खाली है, कोई भेड़िया नहीं है। बच्चों को कुछ देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। काफी बड़ा जू है, कुछ पिंजरे खाली हैं, कुछ जगह पे स्मेल है। सफाई का इंतजाम इस दफा ज्यादा अच्छा नहीं था। और ये देखे मैंने टिकट और दुआ की पिन पकड़ी हुई है, और बच्चे जिद कर रहे थे माशा देखने की, जो हमें मिला नहीं। तो मैं इधर देखो, फिर हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए। तो बाहर आते ही सामने कैंटीन थी, अब चल चल के भूख लग रही थी, तो हमने कैंटीन पे धावा बोल दिया। और इस जगह आते हुए मुझे
अपने वो दिन याद आ रहे थे जब मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आती थी, जब मैं इधर स्टडी करती थी भावलपुर में QMC में, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट थके पड़े हैं ये भी। हाय हाय देखो ये आपने चूंट खाया। क्या नहीं गया खड़े, खाली बैठे खड़े। ओ बैठी बैठी थी। और ये देखिए जी, अभी यहाँ पे कुछ और ट्रिप आ गए हैं और यहाँ पे रश और ज़्यादा बढ़ गया है। लाला जी गए हुए हैं गाड़ी लेने के लिए और हम अब यहाँ से होके जाएंगे आगे। उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।